आज हम कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 1 PC का चौथा क्वेश्चन हम बताएंगे। चौथा का पहला क्वेश्चन है, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े की योगफल -2/9 हो जाए। यानी क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हम इसमें 6/7 में क्या जोड़ दें, यानी क्या जोड़ दें कि योगफल इतना हो जाए। अब इसका मतलब है कि हम इसमें कुछ जोड़ेंगे तो योगफल क्या होगा, इतना होगा। यानी ये क्या है, इसमें जोड़ा गया है कोई संख्या, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये वाली संख्या को घटा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चाहे हम इसमें x मान के भी लगा सकते हैं, पहले हम x मान के दिखाते हैं कैसे लगेगा। तो हमने 6/7 हम यहां पे लिख देंगे, माना यक्स जोड़ने पर, ठीक, इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे, यक्स। हम मान लिए कि इसमें यक्स हम जोड़ेंगे, तो हमने प्लस यक्स लिख दिया, बराबर जोड़ने पर योगफल कितना हो जाता है, -2/9। हम यहाँ पे लिख देंगे -2/9। अब हम इसमें इस 6/7 को इधर लाएंगे इस पक्ष में, तो यक्स बराबर ये हो जाएगा -2/9, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 6/7 इतना हो जाएगा। अब हम इसका 7 और 9 का एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 63। जब 63 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि इन दोनों संख्या का गुणा करके हमने यहाँ लिखा है 9 7 63, तो 7 का इधर गुणा होगा, 7 × 2 = 14 -14 और 9 × 6 = 54 -54। अब ये दोनों माइनस माइनस है, -14 - 54, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो जोड़ देंगे 4 4 8 और 5 1 6, बड़े वाले चिन्ह माइनस है, माइनस लगाएंगे, बटे 63, ये हो जाएगा हमारा, यानी कि यक्स बराबर आया है, ठीक, कि यक्स बराबर हमने सॉल्व किया तो क्या आया, इतना, यानी यक्स बराबर -68/63। यानी कि 6/7 में अगर हम -68/63 जोड़ देंगे तो हमारा ये आ जाएगा -2/9 हो जाएगा। अब इसको जब हमने जो ये यक्स मान के लगाया है, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं सीधा, इसमें से इस 6/7 को आप घटा दीजिए, यानी कि इस तरीके से -2/9 -6/7, सीधा इसका एलसीएम लीजिए, 9 और 7 = 63, 7 × 2 = 14 -2, फिर -9 × 6 = 54, 4 4 8 63, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चौथा का दूसरा क्वेश्चन, -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो जाए। सेम क्वेश्चन है जैसे चौथा का पहला क्वेश्चन था, उसी तरीके से ये भी है कि कहा जा रहा है कि -7/12 में कितना जोड़े कि योगफल 25/36 हो जाए, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक, सेम वही तरीके से लगाएंगे, सीधा भी इसमें हम यक्ष नहीं मानेंगे, इसमें से इसको हम घटाएंगे, 25/36 में से घटाएंगे हम कितना, इसको -7/12, हम यहाँ पे घटाने के लिए माइनस चिन्ह लगाएंगे, अब इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा, 25/36 माइनस माइनस प्लस 7/12। अब हम इस 36 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, तो 36 और 12 का एलसीएम होगा 36, अब 36 एकन्नम 36, तो 25 में 1 से गुणा होगा, 25 एकन्नम 25 प्लस 12 3 36 तीन बार जाएगा, तो 7 से ऊपर 3 गुणा हो जाएगा, यानी सात्रिक 21। अब इसमें 21 और 25 जोड़ देंगे, तो 5 1 6 और 2 2 4 /36 इतना हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और सरल कर देंगे, यहाँ से 2 से काट के 23 × 46 और 18 × 36, ये हो जाएगा 23/36।
18, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इस पांचवें क्वेश्चन में कहा गया है दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दो संख्याओं का योगफल यहाँ पे दिया गया है और उनमें से एक संख्या भी दी गई है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे, माना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर x, हमने मान लिया कि दूसरी संख्या x है। अब प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इसमें कहा गया है दो परिमेय संख्याओं का योगफल, ये दिया है -5, तो हम पहली परिमेय संख्या ये है, यानी हम -16/7 इसको और दूसरी संख्या इस x को हम जोड़ेंगे तो कितना योगफल दिया है -5, इतना हो जाता है। जब इतना हो जाता है तो हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस x को इधर ही रोकेंगे, इस वाले पक्ष को उधर भेजेंगे, x बराबर -5, ये उधर जाएगा तो ये माइनस में है जो प्लस में हो जाएगा, प्लस 16/7 और हम इसके बटा 1 कर लेते हैं, इस तरीके से कर लिए हम। अब x बराबर यहां पर 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, 1 7 7, 7 से ऊपर गुणा होगा, 7 5 35, -35 हो जाएगा, प्लस 7 1 7, 16 1 16, इतना हो गया। अब इधर देखिए इसको, x बराबर, अब इस 35 में से 16 क्या होगा, घट जाएगा क्योंकि बड़े वाले चिन्ह माइनस है तो घटेगा यहाँ पे, तो 16 में से हम 35 घटा देंगे तो 15 में से 6 गेन 9 बचेगा और यहाँ पर 2 बचे, 2 में से 1 गेन 1, और माइनस का चिन्ह बड़े वाले का माइनस है, माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे -19/7, यानी x बराबर हमारा आ गया -19/7, यानी कि हमारी दूसरी संख्या क्या है, -19/7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दूसरी परिमेय संख्या बराबर -19/7, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है सरल कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है, अब हमको इसको सरल करना है, सरल करने का मतलब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें देखना है कि कितना आंसर आएगा इसमें, तो हम इसको सरल कैसे करेंगे, 1/6, इस प्लस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस 2/5, फिर इस प्लस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2/15, इतना हम कर लिए। अब यहाँ पे 6, 5 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, तो 6, 5 और 15 का एलसीएम हम यहाँ पे आपको एलसीएम निकाल के दिखा दे रहे हैं, 6, 5 और 15 का एलसीएम, पहले 2 से इसको काटिए, 2 3 है ये 6, 5 नहीं कटेगा उतार लीजिए, 15 नहीं कटेगा उतार लीजिए, 3 से काटते हैं, 3 1 9 3, 5 नहीं कटेगा उतार लिए, 3 5 15, अब इसको 5 से काट दीजिए, कट गया। अब एलसीएम हो जाएगा 2 3 6 6 5 30, यानी हमारा एलसीएम आ जाएगा 30, तो हम 6, 5 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो इस 6 से इसमें भाग देंगे, 6 5 30, 5 बार गया, इस ऊपर इसमें 1 में 5 से गुणा हो जाएगा, 5 1 5, माइनस 5 से भाग देंगे, 6 बार जाएगा, इस 2 में 6 से गुणा होगा, 6 2 12, प्लस 15 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, तो 2 से इसको गुणा होगा, 2 2 9 4। अब हम इसको यहाँ पे 5 - 12 + 4 इतना है, तो हम इस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं पहले, 5 4 9, 9 - 12/30।
अब इस 12 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा 3। बड़े वाले अंक का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा दीजिए, माइनस 3/30। इसको और हम सरल करेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 दहम्मा 30, ये हो जाएगा -1/10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा का दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में है 3/8 माइनस, फिर कोष्टक के अंदर -2/3 प्लस कोष्टक के अंदर -5/36। इसको हमको सरल करना है तो इसको हम पहले इस कोष्ठक को हटाएंगे, 3/8 इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2/3, इस प्लस चिन्ह के अंदर माइनस गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5/36, इतना हो जाएगा। अब हमको 8, 3 और 36 का एलसीएम निकालना है, हम इसका एलसीएम निकालते हैं 8, 3 और 36 का। पहले 2 से काटिए, 2 चौके 8, 3 नहीं कटेगा उठा लीजिए, 18 गुना 36 चला। देखिए अब इसको फिर 2 से काटते हैं, 2 गुना 4, 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे इतना हम निकाल लिया। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 3 करना, फिर 3 से काटेंगे, कट गया। अब एल सी एम बराबर इसी का गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72, तो इसका एल सी एम हो जाएगा 72। तो हमने लिख लिया 72। अब 8 से इसमें 72 में भाग देंगे तो 8 9 72, 9 बार जाएगा, इसी 9 से इसमें 3 में गुणा होगा तो 9 3 27 प्लस इस 3 से इसमें भाग देंगे 72 में तो 24 3 72 होता है, 24 से 2 में गुणा होगा 24 2 48 माइनस 36 से भाग देंगे 72 में, 36 2 72, 5 में 2 से गुणा होगा, 5 में 10, इतना हो जाएगा। अब इसको हम पहले एक प्लस वाले को जोड़ते हैं, 8 7 15 की 5 हासिल, 4 2 6 1 7 -10/72। अब इसमें से 75 में से हम 10 हटाएंगे, 65/72, इतना हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।